यह एक और छोटी कहानी है जिसे ओशो ने सुनाई है। एक गांव में एक साधु आया जिसने घोषणा की कि वह अगले दिन नदी के किनारे प्रवचन देगा। गांव के लोग साधु की प्रसिद्धि सुनकर बहुत उत्साहित हुए और अगले दिन बड़ी संख्या में प्रवचन सुनने के लिए इकट्ठा हो गए। साधु ने वहां खड़े होकर एक बात कही, तुम सब मूर्ख हो। गांव के लोग गुस्से से भर गए और सोचने लगे कि यह साधु उन्हें अपमानित क्यों कर रहा है। कुछ लोग वहां से चले गए और कुछ ने चुपचाप साधु की ओर देखा। अगले दिन फिर से साधु आया और वही बात दोहराई, तुम सब मूर्ख हो। अब और भी लोग नाराज होकर वहां से चले गए, लेकिन कुछ लोग जिज्ञासा के कारण रुक गए। तीसरे दिन साधु फिर से आया और कहा, तुम सब मूर्ख हो। लेकिन इस बार जिन लोगों ने तीनों दिन यह बात सुनी थी वे मुस्कुरा उठे। उन्होंने महसूस किया कि साधु केवल उनके गुस्से और अहंकार को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम समझ गए हो, जब कोई तुम्हें मूर्ख कहता है और तुम गुस्से में आ जाते हो तो तुम वास्तव में मूर्ख हो, लेकिन जब तुम मुस्कुरा सकते हो तब तुमने अहंकार को पार कर लिया है। प्रेरणा के संदेश 1, अहंकार को पहचाने और उसे त्यागें। जब हम अपने अहंकार से जुड़ जाते हैं तो हम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं। हमें सीखना चाहिए कि अहंकार को छोड़कर अपने भीतर शांति और समर्पण को बढ़ावा दें। 2, सही प्रतिक्रिया देना सीखें। जब कोई आपको अपमानित करता है या बुरा कहता है तो उस पर गुस्सा करना स्वाभाविक है, लेकिन सही प्रतिक्रिया यह है कि आप शांत रहें और उसे समझने की कोशिश करें। 3, आत्म साक्षात्कार का महत्व। साधु का लक्ष्य लोगों को उनके स्वयं के मूर्खतापूर्ण व्यवहार से परिचित कराना था। जब हम अपनी कमियों को स्वीकार कर लेते हैं तब हम सच्चा आत्म साक्षात्कार प्राप्त करते हैं। 4, हंसने का महत्व। जीवन की समस्याओं और कठिनाइयों का सामना करने में हंसी बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब हम किसी स्थिति में गुस्से के बजाय मुस्कुराना सीख जाते हैं तब हम जीवन को सही दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने अहंकार को नियंत्रित करना चाहिए और जीवन में हल्केपन और हंसी को अपनाना चाहिए।